तो गाइस आज हमारे पास है दो सेट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीवो वाई 200E 5G एंड नेक्स्ट जो ये एक साल पुराना सेट है वीवो V27। दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो कंपैरिजन इस प्रकार से होगा कि मैं इसमें फोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट करूंगा, इसका एंटूटू स्कोर बताऊंगा, सारी चीज़ें की क्या क्या चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा दिए और क्या क्या चीज़ों में ये एक्स्ट्रा वर्क करता है और इसमें कौन सा चिपसेट है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बने रहे कंटिन्यू, चैनल को सबसे पहले ताकि हमारी नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच रही है। ये हमारा अभी अभी लॉन्च हुआ 22 फरवरी को लॉन्च हुआ वीवो वाई 200E 5G, जो कि ये मेरे पास 628 वाला वेरिएंट है और ये मेरे पास है 8128 वीवो V27 5G, जो कि इसके अंदर चिपसेट हमारे पास मिल जाता है डायमेंसिटी 7500 5G। वैसे 15000 वाले सेट में आता है, मतलब प्रोसेसर के हिसाब से लो है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो इसको मात दे देगा। और इसी में जैसे कि हमारे पास इसमें चिपसेट मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, जो कि अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के हिसाब से, मतलब बढ़िया प्रोसेसर है। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और साइड में टाइप सी पोर्ट एंड नीचे की तरफ माइक, और इसी जगह आपको जैसा कि सिम ट्रे इसमें मिलता है इसी प्रकार से इसमें मिल जाता है। और साइड में आप लोग देखेंगे ये पावर बटन और वॉल्यूम बटन मिल जाएगा, इसी के ऊपर नॉइस कैंसलेशन माइक जैसा कि हमारे 27 में मिलता है। और इसमें आगे की तरफ फ्लैट डिस्प्ले पूरी और इसमें हमें कर्व डिस्प्ले मिलती है, और पीछे की तरफ इसमें ग्लास है लेकिन इसमें ग्लास नहीं, इसमें पीछे तरफ लेदर मिल जाता है और ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलेशन माइक जैसा कि मैंने आपको बताया था इस तरफ बिल्कुल फ्लैट है पूरा, और इसमें भी इस तरफ फ्लैट है। साइड में जो आपको यह बटन वगैरह मिल जाएंगे और इसमें आपको ये टाइप सी वगैरह सारे सिस्टम सेम है। दोनों की अगर हम लोग जो है मोटाई की बात करें, थिकनेस इसकी कम है, तो आप लोग देखिए इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल जो पतला मोबाइल हमारा V27 यहाँ पे लग रहा है। ऊपर की तरफ दोनों में नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है, नीचे की तरफ बिल्कुल सेम है एज इट इज़ जैसे कि इसमें वैसा ही इसमें। और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले है और इसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले है, और ये दोनों एमोलेड स्क्रीन है, बस इसमें कर्व डिस्प्ले है, ये HD+ वाला है, ये सुपर एमोलेड वाला स्क्रीन इसके अंदर है। दोनों में आगे की तरफ फिंगरप्रिंट मिल जाता है जो कि प्रॉपर मतलब वर्क करता है, मतलब कुछ ही सेकंड बाद नैनो सेकंड में जो आपको लॉक खोल के रेडी कर देता है। तो अभी मैं आपको इसका कैमरा शूट करके दिखाता हूँ कि कौन सा जो है मोबाइल परफेक्ट फोटो हमें शूट करके देता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग कैमरे की बात करें तो इसमें 50 MP+2 का है, मतलब 2 MP इसमें बुके इफेक्ट वाला कैमरा है। तो सो गाइस यहाँ पर अगर Y200E 5G की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये पोर्ट्रेट में मोड में आपको दिख रहा होगा, पोर्ट्रेट मोड में अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं तो ये यहाँ पे जूम वगैरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल अगर आप लोग यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे जूम वगैरह 10x तक यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए 10x तक चला जाता है, 10x तक यहाँ पे जूम आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसी के साथ में अगर वीडियो क्वालिटी की हम लोग यहाँ पे बात करें तो वीडियो में आप लोग यहाँ पे देखिए कि 1080p पे आप लोग 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, उसी के साथ 720p पे 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। इसमें आपको 60 FPS का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, 60 FPS का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और उसी के साथ कैमरे की बात करें 50 MP पीछे 2 MP बुके इफेक्ट वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वीडियो क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो वीडियो क्वालिटी में ये कोई खास मेरे को लगा नहीं है। 1080p और 30 FPS ये नॉर्मल मोबाइल में आजकल आता है, नॉर्मल से नॉर्मल जैसे कि आईटेल वगैरह हम लोग नॉर्मल बात कर लेते हैं या फिर जो है टेक्नो का बात करते हैं इनफिनिक्स वगैरह में, तो इनमें आपको 1080p का जो है शूट यहाँ पे मिल जाता है। तो मेरे को कोई कैमरे का कोई खास लगा नहीं वैसे, लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूज़ अगर करना है तो उसके हिसाब से कैमरा क्वालिटी और दोनों चीज़ बेटर है। अगर V27 की बात करें हम लोग तो इस जगह मैं कैमरा ओपन करता हूँ, कैमरा ओपन करने के बाद आप लोग क्वालिटी देखेंगे काफ़ी बेटर क्वालिटी आ रही है, क्योंकि इसमें OIS कैमरा मिल जाता है वो भी 50 MP+8 MP का, इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा है तो काफ़ी अच्छी तरीके से फोटो लेने वाला है। ये देखिए मैं फोटो लेने वाला हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास ये मोबाइल है वीवो Y200E, तो इसका ये नॉर्मल फोटो मैंने अभी लिया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकाल के दे रहा है गाइस, सच बता रहा हूँ। इसके सामने तो ये Y200E जो टिकने वाला कहीं पर भी नहीं है। वैसे प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में ये वाला अच्छा है, लेकिन अगर फोटो क्वालिटी के मामले में अगर मोबाइल लेना है तो V27 दिस इज़ ए बेटर मोबाइल। तो यहाँ पे इसकी जो डिटेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल जो एक एक मतलब अच्छी तरह से निकाल के दिए, पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर किया है एक नंबर ब्लर कर दिया इसने। उसी के साथ में अगर हम लोग देखें यहाँ पे पोर्ट्रेट में किस तरह से फोटो लेता है तो पोर्ट्रेट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये थोड़ा दूर करना पड़ेगा क्योंकि पोर्ट्रेट में गाइज क्या होता है, जैसे पोर्ट्रेट मोड में मैं इसको एनेबल करता हूँ उसके बाद ये मतलब 2x पे चला जाता है, आप 1x पे ले सकते हैं लेकिन उसमें उस तरीके से फ़ोटो नहीं आ पाएगी। ये बस आप जब भी फोटो ले थोड़ा रोक करके ले, इससे क्या होगा ना अच्छी तरीके से फ़ोटो निकाल करके देगा ये। ये क्वालिटी मतलब एक नंबर क्वालिटी है गाइस, आप लोग देख रहे होंगे साइड में स्क्रीन आपको चल रही होगी, तो मतलब एक नंबर बेटर क्वालिटी यहाँ पे निकल करके आई है। इसकी डिटेल जो इसने निकाल करके दी है मतलब
वाकई काबिले तारीफ। मैं मानता हूँ कि मतलब ये कहाँ ये 21,000 का सेट और कहाँ ये 33,000 का सेट, तो जिस प्रकार से पैसे का फर्क है उसी प्रकार से क्वालिटी आपको मिलने वाली है। वैसे दोनों कंपनियां सेम है मानता हूँ, लेकिन जो चीज़ इस मोबाइल में डाली है वो मानना पड़ेगा कि इसका जो कैमरा काफ़ी बेटर है। जो वीडियो भी बन रहा है वो भी V27 सेम सेट से बन रहा है। तो वीडियो क्वालिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते, वीडियो आपको मिल जाएगी, देखिए 180p प्लस 30fps पे आप लोग शूट कर सकते हैं। उसी के साथ में 4K का सपोर्टेड है इसके अंदर, मतलब 4K तक वीडियो आप लोग जो बना सकते हैं। 4K में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो 60fps प्लस 30fps जैसा आपको जो सूटेबल हो वैसा यहाँ पे शूट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेटर है। मैं एक वीडियो इसमें प्ले करके आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो जो शूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इतनी अच्छी क्वालिटी है निकाल करके दे रहा है हमें, तो मुझे तो काफ़ी बेटर लगा है। इसके कैमरे के सामने Y200E 5G कहीं पे भी टिकने वाला नहीं है, तो जहाँ तक हो सके। वैसे ये सेट बंद हो चुका है, अगर आप लोग इस प्राइस रेंज के अंदर मोबाइल लेना चाहते हैं तो V29 मैं आपको जो है सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये अगर आप लोग लेंगे तो नॉर्मल बजट के हिसाब से 21,000 के हिसाब से बेटर मोबाइल है। 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है इसका, 4800 mAh का बैटरी है, 48,000 के हिसाब से इसका बैटरी है। तो इसमें 8 128 मिल जाएगा, 6 128 में आपको रैम रोम मिल जाएगा। साथ में इसमें कर्व डिस्प्ले नहीं है, इसमें फ्लैट डिस्प्ले है। तो इसमें आपको कर्व डिस्प्ले प्लस पीछे की तरफ बैक ग्लास मिल जाएगी, जो कि कलर चेंज होता है इसमें। इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन है, सामने की तरफ फिंगरप्रिंट है, इसमें फिंगरप्रिंट आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं कुछ फोटो शूट कर लेता हूँ जो आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। हमारे पास Y200E 5G का फोटो है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट में लिया गया फोटो है, और ये वाला जो हमारे पास है नॉर्मल फोटो मैंने यहाँ से खींचा है। नॉर्मल फोटो में आप लोग क्लियरिटी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की क्लियरिटी है और डिटेल इस प्रकार की मिलती है। और इसी में अगर हम लोग पोर्ट्रेट में देखते हैं, पोर्ट्रेट में आप लोग देखिए इस प्रकार की जो है क्लियरिटी इसमें जो डिटेल मिल जाती है हमें। डिटेल में आप लोग देखिए ये क्लियर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी जो इसका वर्ड वगैरह लिखा है नेकबैंड का वो भी नहीं दिख रहा है। और इसमें भी देख लीजिए नॉर्मल है, इसमें भी नहीं दिख रहा। तो गाइज आपको जो ओवरऑल इसकी क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके जो बताइए। मैंने कुछ फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करी है, ये 4 फोटो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी है। ये नॉर्मल कैमरा से ली है, 2 फोटो आपको दिख रही होगी, एक ये एक ये, और ये 2 फोटो मैंने जो है पोर्ट्रेट में जो है कैप्चर करी है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए इसकी जो डिटेल जो आ रही है गाइज, आप मान के चलिए कि एक नंबर डिटेल आ रही है। आप लोग यहाँ पे हेयर वगैरह टोटल देखिए, प्रॉपर तरीके से फोटो आ रही है, ठीक है। उसी के साथ में ये फोटो भी नॉर्मल मोड में ली गई है, और ये शूट करते टाइम हमने वहीं पर ले ली थी फोटो। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए मेरे हाथ में ट्राईपोड है, और सामने की तरफ क्या डिटेल दी है पोर्ट्रेट मोड में, मानना पड़ेगा OIS कैमरे को। इसमें 50 MP का OIS कैमरा है जो कि इस तरह से क्लियर फोटो निकाल के हमें देता है। और उसी के साथ अगर हम लोग जो यहाँ पे बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 की बैटरी मिल जाती है, 5000 mAh का बैटरी, और इसमें आपको 4600 mAh का बैटरी मिलता है। लेकिन इसका जो चार्जर काफ़ी फास्ट वाला है, इसमें 65W सपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ में चार्जर आता है 80W का चार्जर आता है। तो ये फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये भी फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन ये 44W तक ये सपोर्ट करता है। मतलब जहाँ पर हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर अगर 20 मिनट इसमें चार्जिंग में लग रहा है तो इसमें आपको 40 मिनट या 45 मिनट आराम से इसमें चार्जिंग होने में लगेगा। तो चार्जिंग के हिसाब से यहाँ पे विनर ये है। अगर आप लोग इस टाइप का फोन लेना चाहते हैं तो V29 आप लोग जो परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर T2 Pro अगर मार्केट में अभी तक अवेलेबल है तो T2 Pro यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इसकी डिस्प्ले उसकी डिस्प्ले सेम है और वही कैमरा क्वालिटी इसमें मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे ये एवरेज मोबाइल मेरे को लगा 21,000 की, मतलब बजट के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ आपको जो है इन्फिनिक्स वगैरह टेक्नो वगैरह में वैसे ही नॉर्मल 15-16 हज़ार में आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरे को एवरेज मोबाइल लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। मिलते हैं कौन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।